हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। तो आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए। तो आज मैं आपको मेरा पूरा घर बताने वाली हूँ। तो ये है हाउस टूर वीडियो और आज मैं आपको मेरा सारा घर दिखाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाहर से। तो गाइस, मैं घर के बाहर आ चुकी हूँ और बाहर से ये मेरा पूरा घर देख लीजिए आप एक बार। तो ये वैसे सेपरेट घर हैं और ये हमने दोनों घर लिए हुए हैं। तो ये सारा हमारा ही है और ये आसपास ये कॉलोनी बनी हुई है। तो सबके अलग अलग घर हैं यहाँ पे और ये मैं गार्डन में हूँ, यहाँ पे छोटा सा गार्डन है। तो चलिए अब चलते हैं अंदर। सबसे पहले मैं बाहर का व्यू दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं जैसे कि पूरे में गमले रखे हुए हैं यहाँ पे, पूरे आपको लाइन से देखने मिल जाएंगे। ये पापा ने पेंट करे हुए हैं सारे। तो ये फ्लावर्स देख लीजिए, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, अभी ये खिले नहीं हैं। बहुत सारे फ्लावर्स लगाए हैं, मम्मी पापा को तो बहुत पसंद हैं गमले वगैरह लगाना। तो पूरे में इनने ये पौधे लगाए हुए हैं फ्लावर्स के। और ये स्कूटी और बाइक रखी हुई है, ढक दिया है धूप के कारण। और ये देखिए, यहाँ पे भी कुछ गमले रखे हुए हैं। गाइस, धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, पूरा पसीना पसीना हो गया। तो चलिए अब हम इंटर करते हैं। ये जो गमले रखे हुए हैं रेड कलर के, ये भी सब हमारे गमले हैं, पापा ने रखे यहाँ पे। और ये वाला ट्री मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जो ट्री है ना, इसकी हाइट देखिए कितनी ज़्यादा है, ये मुझे बहुत पसंद है। तो ये दो ट्री हैं सेम। तो चलिए चलते हैं अंदर। यहाँ पे आपको और गमले मिल जाएंगे। ये पार्ट मुझे सबसे अच्छा लगता है यहाँ का, मैं बहुत सारी पिक्स भी लेती हूँ यहाँ पे। देखिए ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ये हैंगिंग गमले हैं। तो ये वाला, ये देखिए पास से वाला कितना ब्यूटीफुल लगता है, पूरा गमला ही छुप गया उसमें। और ये वाले फ्लावर्स भी मुझे बहुत क्यूट लगते हैं, पिंक कलर के। अभी गर्मी के कारण बहुत सारे फ्लावर्स नहीं खिल रहे हैं लेकिन बहुत अच्छे लगते हैं। और ये रेड वाला भी, ये देखिए छुपा हुआ है यहाँ पे। तो ये वाली जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है, यहाँ पे मैं पिक्स लेती हूँ। और ये भी है, ये मनी प्लांट है पूरा। और ये इन्वेटर है, यहाँ पे भी कुछ, ये देखिए रेड वाले मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। रोजेज हैं, अभी तो लगे नहीं है, सूख गए, ये देखिए धूप के कारण की हालत। तो चलिए गाइस अब हम एंटर करते हैं अंदर। गाइस हम अंदर आ चुके हैं। ये देखिए, ये है हमारा लिविंग रूम। ये जो लाइट्स है, ये ऊपर वाली, ये वाली भैया की पसंद की है तो ये भैया लाया था। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली लाइट। और आप देख लीजिए पूरा ये लिविंग रूम है, यहाँ पे हम लोग बैठते हैं, चिल करते हैं और टीवी देखते हैं यहाँ पे हम सब लोग बैठकर। और यहाँ पे हमको शोपीस के लिए अभी सामान लेना है, अभी तो ऐसे ही रख दिया है क्योंकि अभी फर्नीचर बना है कुछ टाइम पहले, तो अभी ऐसे ही रख दिया, अभी लेना है। और अच्छा अच्छा और ये वाली जो शोपीस की मूर्ति है, ये गिफ्ट में दी थी भैया के ऑफिस के वर्कर्स ने। और अभी और डेकोरेशन बाकी है। तो ये टीवी कितना बड़ा है मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि और बड़ी टीवी होनी चाहिए। तो ये टेबल है, ये देखिए इसके अंदर
ये जो मतलब गेस्ट के बच्चे वगैरह रहते हैं ना, ये लोग ये निकाल लेते हैं पूरा अंदर से, तो हम लोग इसको उठा के रख देते हैं कि किसी को लग ना जाए, क्योंकि इसमें कांच है ना, तो ये लग भी सकता है। इस वजह से बच्चों को क्या पता कि लग भी सकता है, उन्हें तो घेरने से मतलब रहता है। और इसमें सामान रखे हुए हैं अंदर सारे। तो ये था लिविंग रूम। ये सोफे, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसके मैचिंग के ये पर्दे भी हैं ब्लू कलर के, ये बहुत अच्छे लगते हैं। ये मैंने ऑनलाइन मंगाए थे फ्लिपकार्ट से, और पिंक कलर के भी हैं। तो ये पापा ने दो दो लगा के रखे हैं पर्दे की। ये बाहर से ये वाला दिखेगा, क्योंकि ये दोनों साइड नहीं, एक ही साइड प्रिंट है और बाकी प्लेन है दूसरी साइड, इस वजह से। और ये वाला इस साइड से दिखेगा, तो अंदर से ये ब्लू वाले लगाते हैं हम लोग। तो ये जो मिरर है ये वाला, ये चाची की लड़की ने बनाया था, तो मम्मी को बहुत पसंद आया, तो मम्मी ने यहाँ पे हैंग कर दिया इसको लिविंग रूम में। और ये जो तस्वीर है गणेश जी की, ये सिस्टर ने बनाई थी। तो आप पास से देखिए एक बार। तो ये जो गेहूं की वो रहते हैं ना, लकड़ी जो बची रहती है, तो ये उनकी हेल्प से बनाई हुई थी। तो अब है यहाँ पे डाइनिंग टेबल, और डाइनिंग टेबल में तो मैं खाती नहीं, सीरियसली मैं सही बता रही हूँ, मैं नहीं खाती हूँ। ये मतलब सिस्टर और ब्रदर, मम्मी भी कभी कभी खा लेती हैं, पापा भी खा लेते हैं, लेकिन मैं तो नीचे ही बैठ के खाती हूँ। पता नहीं, मुझे नीचे बैठ के अच्छा लगता है घर पे ऐसे आराम से बैठ के खाना। और मेरी डमी यहाँ पे रखी हुई है दोनों हेयर स्टाइल बनाने के लिए। और इसमें रखी हुई है बादाम, जो कि मैं खाती नहीं हूँ, मम्मी कहती खाओ खाओ, मैं खाती नहीं हूँ। और यहाँ पे भी इन्होंने एक वो पौधा ला के रखा है कि मतलब घर के वातावरण के लिए अच्छा रहता है इस वजह से। तो ये कुछ ये गमले लेके आए थे नकली वाले, मैंने कहा जब असली वाले हैं तो नकली वाले लाने की क्या ज़रूरत है, मुझे नहीं लगे अच्छे सीरियसली। तो चलते हैं अंदर। ये है मम्मी पापा का रूम, नॉर्मली है, कुछ ज़्यादा डेकोरेशन नहीं है, फिर भी ठीक है। वैसे भी ज़्यादा कहाँ रहते हैं ये लोग रूम में, लिविंग रूम में ही रहते हैं, और मम्मी किचन में और वह सोने आती हैं। तो ये रूम है, एक बेड है बड़ा सा, और एक अलमारी हुई। मैंने मुझे अब ये पसंद नहीं आती, लेकिन ये पुरानी है, इसमें बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। ये वाली जो ये लोहे की रहती है ना, बहुत से घरों में होंगी ये वाली, तो ये रखी हुई है। और एक ये लकड़ी की है। तो यहाँ पे एक एसी है। अब चलते हैं किचन की तरफ। ये फ्रिज है, ये फ्रिज मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये बहुत बड़ी फ्रिज है। इसमें पता नहीं अंदर क्या रखा हुआ है, ज़्यादा सामान नहीं है, खाली पड़ी रहती है, क्योंकि इतनी बड़ी फ्रिज है, क्या क्या ही रखेंगे इसमें। अब जो सामान फ्रिज के लायक रहता है उसमें वो रख देते हैं। फ्रूट्स रखे हैं कुछ, और ये कुछ लस्सी वगैरह, पता नहीं क्या क्या है, पीनट्स बटर लस्सी और भी। और इस साइड फ्रीजर के लिए है, यहाँ से मतलब कोल्ड वाटर आता है, अब इसको प्रेस करिए और ऐसे ग्लास लगाइए, तो कोल्ड वाटर आप यहीं से भर सकते हैं। और यहाँ पे आइस भी आता है इसे प्रेस करने पे। तो ये मुझे बहुत सही लगा सिस्टम की, बस ग्लास लगाया और पानी आ गया आराम से। तो ये किचन है, ये मम्मी की प्लेस है, कभी कभी मेरी भी होती है, ज़्यादातर तो मम्मी की ही है। तो ये पर्पल और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन से ये बनाया हुआ है पूरा। और ये जो वो रहता है खाने का, जो भी निकलता है धुआं जो भी बोलते हैं, तो ये यहाँ से जाता है डायरेक्ट छत पे बाहर। ये फिल्टर है बस। किचन तो थोड़ी छोटी सी है, और यहाँ पे सूस वगैरह रखने के लिए है, और यहाँ पे हैंड वॉश करके डायरेक्ट अब खाना खाने बैठ जाइए आराम से। चलते हैं
मेरे रूम में। तो यहाँ सीढ़ियों से चल के जाते हैं। चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं। तो ये स्टीकर, सबसे पहले तो आपको स्टीकर ही दिखेगा मेरे रूम में, वो पिंक कलर का ये मैंने लगाया था। और वो मंदिर है, अभी तो मंदिर की जगह यही है, और फिर आगे देखते हैं क्या कैसी होने वाली है अंदर। तो ये मेरा रूम है, ये पूरा पिंक आपको मतलब पूरा पिंक ही दिखेगा, क्योंकि मेरा फेवरेट कलर पिंक है, कोई जगह नहीं ले सकता पिंक कलर की। तो सीरियसली पिंक और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन तो आप देख लीजिए। ये मैंने कुछ स्टिकर लगाए हुए हैं यहाँ पे, स्माइल इज द बेस्ट मेकअप, मुझे बहुत अच्छी लगी ये लाइन, तो इसलिए मैंने स्टिकर लगाया। और ये पांडा मुझे बहुत पसंद था तो ये मैंने ले लिया। मैंने कहा चलो, और वैसे वो रखा ही रहता, उसका यूज ही नहीं करती मैं ज़्यादा। तो ये अभी पिंक कलर की बेडशीट थी, लेकिन फिर वो मैंने चेंज कर ली, तो यहाँ पे मैं पिंक कलर की ही बेडशीट ही बिछाती, वैसे अभी तो चेंज है। और ये इसी है मेरे रूम में। और ये मतलब धूप आती है ना ज़्यादा गर्मियों के टाइम पे, तो ये लगा के रखा है ताकि धूप ना आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। देखिए पहले तो वो ही लगा हुआ था पर्दा, फिर हमने ये लगा दिया। और यहाँ पे एक और स्टिकर है, तो यहाँ पे मेरी कुछ फोटोज वगैरह हैं, सिस्टर के साथ में भी हैं और सिंगल भी हैं। और ये हमारे गोल्ड प्ले बटन की पिक भी लगा दी है। तो इसमें ये लाइट्स भी जलती है, जो बटरफ्लाई है ना, ये देखिए, ये सारी बटरफ्लाई में लाइट्स भी जलती हैं। और मुझे यहाँ पे सबसे क्यूट ये लगता है, ये मैं अभी लेके आई थी कुछ टाइम पहले, मुझे बहुत क्यूट लगते हैं ये दोनों, बहुत क्यूट। ये मैं हूँ, यहाँ पे मेरा ज़्यादा टाइम निकलता है, वैसे ज़्यादा नहीं निकलता, बस सुबह शाम, क्योंकि मुंह धो के और फिर तो सब आते ही है मेरे के सामने। तो ये वॉच लगा के रखी है मैंने, ज़्यादा स्टाइलिश नहीं लगाई है, नॉर्मली वॉच लगाई है, क्योंकि मुझे मतलब देखना है तो एक ही बार में देखना है उसको, फिर वो ऐसे डिज़ाइनर वॉच रहती है, फिर उससे मतलब अच्छा नहीं लगता मुझे। तो ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में वॉच अच्छी लगती है, वॉल वॉच जो रहती। और ये मेरा है वार्डरोब, ओ माय गॉड, ये भी पिंक और वाइट कलर का बनवाया है मैंने। आप चलो मैं खोल के दिखाती हूँ, पूरा कपड़ों से भरा हुआ है यार ये देखिए आप, पूरा मतलब कपड़ों से भरा हुआ है, मैंने बहुत टाइम से जमाया भी नहीं है, अभी तो सारे कपड़े ऐसे ही हैं। तो बहुत से कपड़े तो मैंने पहने भी नहीं है, ऐसे ही रखे हुए हैं। और ये इस साइड का था, और बोथ साइड के मैं बताती हूँ, क्योंकि मैंने कितने कपड़े भर के रखे हुए हैं, फिर भी मतलब मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, ऑफलाइन भी, और फिर भी मैं कपड़े लेती रहती हूँ। ये देखिए उसमें लहंगास गाउन वगैरह है, तो उनको मैंने कवर करके रखा है कि धूल ना चढ़े। और ये विंटर्स के लिए है, और ये डेली वियर है, तो सारे ऐसे ऐसे भरे रह गए सारे। चलिए इसको बंद कर देती हूँ मैं। तो यहाँ पे ये वॉशरूम है अंदर, और वो रिंग लाइट दिख रही है आपको, तो बस ये मेरा रूम है। ये देखिए पिंक कलर का पैर पोंछा क्या बोलते जो भी बोलते डोरमैट। ये बालकनी, माय गॉड बहुत गर्मी यार सीरियसली, तो ये झूला रख के रखा है बालकनी में। ये कैसी, ये डॉल सीधे बैठ जाओ, ये डॉल इस पे झूलती रहती है, और मैं भी कभी कभी आ जाती हूँ इसके साथ में झूलने के लिए। तो बहुत गर्मी है, चलिए चलते हैं अंदर। ये बाहर का व्यू है सारा, बहुत अच्छा लगता है शाम के टाइम में, सुबह के टाइम में, हाँ दोपहर के टाइम में तो बिल्कुल मत जाइए।
इसको मैंने कर दिया है लॉक, और ये मेरा रूम था, और सेम ऐसा पिंक और वाइट कलर की थीम में मेरी सिस्टर ने भी बनवाया हुआ है, तो शायद अभी वो कुछ कर रही है तो रूम उसका लॉक होगा। तो गाइस देखिए वो सिस्टर जा रही है नीचे, तो चलिए उसके रूम में चलते हैं। मुझे पता है बिखरा पड़ा होगा उसका सारा रूम। तो ये वॉशरूम है, ये देखिए पिंक और वाइट कलर का इसका थीम है। ये देखिए सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो आपको टेडीज वगैरह देखने ही मिलेंगे। ये पांडा है, कितना बड़ा पांडा है, ऐसे ही रखा रहता है, कभी कभी खेलती भी होगी पता नहीं। ये बीन बैग पे रख के रखा है उसने, और यहाँ पे कुछ पिक्चर्स लगाई हुई हैं। ये मैंने रेडी करा था इसको हेयर स्टाइल वगैरह, और ये पिक्स भी मैंने क्लिक करी थी ये गाउन में वाइट कलर की, और ये इंदौर की पिक है, और ये बेड है इसका, ये देखिए कम्बल भी ब्लैंकेट भी सारा ऐसा गुड़म गुड़म करके रखा हुआ है। ये बेड है, एसी है, और ये टेडीज वगैरह हैं। ये पिंक कलर का है, इसका नाम है पिंकू, और ये डॉगी है, ये बहुत अच्छा लगता है, ये डीवी मॉल से लिया था, बहुत सॉफ्ट है ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये छोटा सा डॉगी है पिलो वाला, ये मिनी शो से लिया था डीवी मॉल से, और ये सेम पांडा मेरे पास भी है, और ये पिलो था ये वाला, ये मैंने दिया था उसको बर्थडे पे, ऑलवेज माई सिस्टर फॉर एवर माई फ्रेंड, ये ऐसा रखा हुआ है। अभी इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो पढ़ रही थी अभी। और ये हेलो किटी का स्टिकर लगा के रखा है। ये ड्रेसिंग टेबल है, जैसे कि आप देख सकते हैं कितने अच्छे से जमी हुई है एकदम। सेम यहाँ पे इसमें भी लिया था ये वाला, ये भी बहुत क्यूट लग रहे थे मुझे। और ये पीछे इसकी बेस्ट फ्रेंड ने गिफ्ट करी थी ये वाली डॉल, ये भी सारे गिफ्ट मिले हुए थे, ये मैंने दिया था, और ये इसकी बेस्ट फ्रेंड ने दिया था, ये भी इसकी फ्रेंड ने दिया था, ये मैं हूँ। और यहाँ पे कुछ लिख के रखा है, टाइम डस नॉट गो अवे माय लव फॉर यू, और यहाँ पे कुछ पिक्चर्स लगा के रखी है, और इसकी बेडशीट देखिए पूरी प्रिंसेस वाली है, इसमें मेरी फेवरेट ये वाली प्रिंसेस है, ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगती है, छोटे से ही बहुत अच्छी लगती है ये वाली मुझे। ये इसका वार्डरोब है, पूरे कपड़े भरे रखे हैं यहाँ पे, ये भी है उसमें, इसमें भी रखे हैं और उसमें भी रखे हैं। यहाँ पे भी देखिए एक गमला, ये पीछे का व्यू, यहाँ पे मनी प्लांट लगा के रखा है, और सामने वो जिम बनी हुई है, ये बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। पीछे और बिल्डिंग्स बन रही हैं, काम चल रहा है, और ये छत पे जाने का रास्ता है, छत पे मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि बहुत गर्मी है। तो गाइस ये एक साइड था, और अभी मैं नीचे आ गई हूँ लिविंग रूम में, अब मैं आपको दिखाती हूँ सेकंड साइड, मतलब दूसरा वाला घर। वैसे तो ये पूरा एक ही घर है, लेकिन ऐसा सेम दूसरी साइड भी है, तो चलिए मैं लेके चलती हूँ आपको दूसरी साइड। तो गाइस ये बाहर से भी जा सकते हैं, और ये पीछे से जाने का है, तो मैं पीछे से जा रही हूँ। ये मेरा यहाँ पे मैं हेयर स्टाइल वगैरह बनाती हूँ, ये ट्राईपोड है, और ये डमी का स्टैंड है, और यहाँ पे उजाले के लिए थोड़ा यहाँ पे जगह बनी हुई है, मैंने नेट लगाया है यहाँ पे, गर्मी बहुत है ना इस वजह से। और ये कूलर है, तो जब भी मैं हेयर स्टाइल बनाती हूँ तो अभी तो कूलर चला रही हूँ। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पे थोड़े कपड़े वगैरह सूख रहे हैं, तभी मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। और अब हम आ गए हैं, पीछे से चलते हैं,
दूसरी साइड, ये तो घर ज़्यादा खाली ही पड़ा रहता है। तो यहाँ पे भी एक किचन बनवा के रखी, अब देखते हैं कब यूज़ होता है इसका। ये भी पूरा तैयार करवा के रखा है यहाँ पे। और ये पता नहीं क्या बनाया है यहाँ पे। अच्छा, ये यहाँ पे थोड़ा शायद यहीं पे शिफ्ट होने वाला है मंदिर। तो ये देखिए, ये सोफे पापा ने बनाए हुए हैं। ये सोफे है ना, ये पापा ने बनाए हुए, देखिए आप। फ्री टाइम में पापा ये काम करते हैं। तो ये मिरर लगवाए हैं, ये पूरा क्लोज हो जाता है यहाँ से। गेस्ट रूम देखते हैं। तो जब भी गेस्ट वगैरह आते हैं तो वो यहीं पे आराम से रेस्ट करते हैं। ये दादी की पिक्चर लगा के रखी है, दादी एक्सपायर हो चुकी है वैसे। और ये घड़ी है यहाँ पे, और यहाँ पे एक मिरर है। तो मिरर का थोड़ा फायदा उठा के मैं खुद को दिखा देती हूँ। थोड़ा गंदा हो रहा है यहाँ पे। तो ये गेस्ट रूम था गाइस। और ये यहाँ पे अलमारी है, इसमें रखे होंगे वैसे ब्लैंकेट्स वगैरह ही रखे होंगे, क्योंकि ज़्यादा गेस्ट आ जाते हैं ना, तो फिर ब्लैंकेट यहाँ से ही निकाल लेते हैं इस वजह से। ये पापा की कुछ तस्वीरें हैं, कोई ये गिफ्ट मिला था, क्या बोलते, पुरस्कार मिला था जेल विभाग का। तो ये तस्वीरें रखी हुई है यहाँ पे। अब चलते हैं ऊपर, सेम वैसा ही है यहाँ पे ऊपर जाने का। यहाँ पे है भैया का रूम ऊपर। ये देखिए, यहाँ पे भी दो गमले रखे हैं, यहाँ पे भी दो गमले रख के रखे हैं। और ये कपड़े सुखाने का है। तो गाइस, यहाँ पे हम आ गए हैं, भैया के रूम में एंटर करते हैं। भैया ने तो बहुत ही मस्त बनवाया है रूम। सबसे पहले तो ये वॉशरूम है यहाँ पे। और ये हम आ गए भैया के रूम में। कलर कॉम्बिनेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ग्रे कलर में उसने बनवाया है। इतनी बड़ी अलमारी बनवाई है और कपड़े उसके जरा से होंगे, वैसे अभी जरा से हैं लेकिन कुछ साल बाद बहुत सारे हो जाएंगे। और ये बेड है, ये बेड मुझे बहुत अच्छा लगता है। पूरे में वो मतलब वो गद्दा लगा हुआ है चारों तरफ से, ताकि किसी को लगे भी नहीं। और ये कुछ बुक्स रखी हैं जो भैया पढ़ता है रात के टाइम में। ये एसी लगी हुई है, यहाँ से ये पीछे का व्यू है। और वैसे ये इस दिशा में, ये कौन सी दक्षिण दिशा है, तो वैसे तो पिलो यहाँ पे रखे होने थे क्योंकि इसी साइड वो बेड है, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि इस दक्षिण दिशा में सिर करके नहीं सोया जाता, तो इस वजह से ये जगह चेंज कर दिए, तो पिलो इस साइड आ गए। अब ऐसे में सोना पड़ता है भैया को। ये वो लगी हुई है पीओपी लगवाई है यहाँ पे। वैसे तो सारे रूम में पीओपी लगी हुई है, और भैया ने अभी इसका बना हुआ है कुछ साल पहले, तो थोड़ा न्यू है। और ये पेंटिंग है, ये हम लोगों ने पसंद करी थी सबने मिलके, मुझे बहुत अच्छी लगी ये पेंटिंग, तो मैंने कहा भैया तो ले ले। और ये गिटार है, भैया मैंने लिया था वैसे तो सीखने के लिए, फिर भैया ने बोला कि तुम तो चला नहीं रही हो, तुम सीख नहीं रही हो, तुम मुझे, तो मैंने कहा ठीक है तू भी ट्राई कर ले। उसने भी एक दो बार ट्राई करा और जब से रखा हुआ है। गाइस थोड़ा थक गई हूँ मैं बोल बोल के, जब सो यहाँ से वहाँ चल चल के ऊपर नीचे। तो ये मिरर है यहाँ पे, ये पूरी लाइट्स जलती हैं, ये पूरी लाइट्स यहाँ पे जलती, बहुत अच्छा लगता है। ये है वेट मशीन, तो चलिए मैं अपना वेट ही चेक कर लेती हूँ कम से कम। गॉड, कब से नहीं करा मैंने वेट चेक। पचास किलो, मेरा हमेशा 50 ही क्यों रहता है यार।
मेरा हमेशा 50 ही रहता है, मतलब नहीं कितना भी वजन कम या ज्यादा हो जाए 50 ही रहेगा, या फिर 51 हो जाएगा या 52 हो जाएगा। तो चलिए, ये भैया का रूम था, और हाँ ये वो है BR बॉक्स है, ये कम से कम पड़ा था 50 या 60 हज़ार से ऊपर का था। मना करा था, हम लोग कहीं पे गए थे, जयपुर गए थे, तो वहाँ पे ये गेम खेलने के देते, आँखों में लगाते हैं और ऐसा लगता है कि अपन सही में उसी जगह पे पहुँच गए हैं। तो भैया को बहुत अच्छा लगा, तो भैया ने कहा कि मैं भी लूँगा, तो भैया ने सच में मंगा लिया। बहुत मज़ा आया था स्टार्टिंग में जब ये लिया था ना, हम लोग बहुत लड़ते थे कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए, 2 घंटे तेरे 2 घंटे मेरे, ऐसे लड़ते थे। और अब देखिए ये रखा ही रहता है जब से, कभी कभी यूज आता है, जैसे कोई आता है ना तो उसको दिखाने के लिए। ऐसे ये बाइक की भी पसंद करवाई थी हम लोगों ने। तो ये भैया का रूम एंड होता है, अब हम चलते हैं सबसे फेवरेट प्लेस पर। ये है फेवरेट प्लेस, मैं लाइट्स ऑन करके बता देती हूँ गाइस। तो गाइस यहाँ पे मैं एडिटिंग करती हूँ, यहाँ पे मेरे से कम 4 घंटे तो निकलते ही हैं। तो ये देखिए, ये है सारे प्ले बटन्स हैं यूट्यूब के, 2 गोल्ड प्ले बटन हैं और बाकी सारे सिल्वर हैं। तो इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि इनके पीछे की क्या स्टोरी है, कैसे मिले, और ये किस किस के प्ले बटन हैं। ये सारे मतलब मेरे नहीं हैं, ये कुछ सिस्टर के हैं, कुछ ब्रदर के हैं और कुछ मेरे हैं। तो ये इसके अलग से एक वीडियो बनाऊंगी मैं। यस, तो अभी आप इतना ही देख लीजिए, पूरा मैं डिटेल्स में नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पे ये थोड़ा कलरफुल लाइट्स लगवा के रखी हैं, और ये बहुत पसंद आए थे मुझे, तो मैंने कहा ये ले लो बहुत अच्छे लगेंगे। यहाँ पे कुछ लोगोस वगैरह हैं, कुछ लिख के मोटिवेशन लाइंस लिखी हुई हैं इनमें, और ये वही है गेम के, और वो भी जो मैंने दिखाया था भैया के रूम में उसका बॉक्स है ये। तो ऑफिस का मैं सारा अलग से आपको बताऊंगी। और ये PC है, हाँ ये सोफा है, यहाँ पे जैसे कोई वर्कर्स वगैरह आते हैं अभी, या फिर कोई भी आता है तो उसको बैठने के लिए, मैं भी बैठती हूँ ऐसे कभी कभी यहाँ पे। और यहाँ पे ये वॉशरूम है इस साइड, यहाँ पे भी थोड़ा बनवा के रखा है एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए। ये प्रिंटर है, पुराना वाला खराब हो चुका है साइड। और ये पुरानी फ्रिज है, देखिए पहले इतनी छोटी फ्रिज थी, फिर लगा कि बड़ी होनी चाहिए तो फिर इसलिए बड़ी फ्रिज ले ली। और यहाँ पे भी बालकनी की दिखा देती हूँ आपको, ये बालकनी बहुत गर्मी है तो मैं अंदर चलती हूँ क्योंकि मुझसे गर्मी सहन नहीं होती, खासकर धूप सहन नहीं होती। और ये चेयर है, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत मजा आता है बैठने पे। तो गाइस मैं आ गई हूँ नीचे, और यहाँ पे मेरी वीडियो एंड होने वाली है, हो चुकी है। वैसे तो मैंने आपको मेरा सारा घर दिखा दिया है और सारे रूम्स देख लिए हैं, टोटल है 3 वहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो टोटल 6 रूम है, और अटैच वॉशरूम है साथ में, और एक लिविंग रूम आपने देखा, किचन है, 2 किचन है, और ये वाला जो लिविंग रूम था यहाँ पे हम बनाएंगे मंदिर, यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे आगे। अभी आगे और काम होना बाकी है, और भी होता ही रहेगा, वो तो होते ही रहता है, काम तो चलते ही रहता है। तो आगे और भी मतलब थोड़ा डेकोरेशन वगैरह होगा, अभी तो इतना ही हुआ है, थक गई हूँ मैं बोल बोल के, मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ ऐसे। तो गाइस कमेंट में बताइएगा आपको मेरा घर कैसा लगा। और वैसे मैंने आपको छत नहीं बताई है, बहुत बड़ी छत है,
अब जितना घर मतलब प्लेस पूरा है ना, उतना ही पूरा मतलब ऐसे छत भी बड़ी ही होगी। तो मैंने आपको छत नहीं दिखाई है क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी। छत भी बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। तो बस आपने सारा देखा घर कैसा है, और सबसे ज़्यादा तो आपको गमले देखने मिले होंगे हर जगह पे, क्योंकि मम्मी पापा को गमले बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और मुझे तो लग रहा है शायद वो और गमले लेने वाले हैं और पौधे लगाने वाले हैं। वैसे मेरे भी काम आ जाते हैं, जैसे फ्लावर्स वगैरह रहते हैं ना तो हेयर स्टाइल में लगाने के लिए, तो उससे हेयर स्टाइल बहुत अच्छी लगती है, तो मेरे भी काम हो जाते हैं, तो मुझे भी अच्छे लगते हैं वैसे पौधे। तो आप कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा। और अब वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बाय बाय।